हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, फिलहाल आज है 22 मई। अरे यार, आज 22 मई है। तो आज हमें जाना है, मैंने अभी नहीं बताऊंगा, मैं स्टिल अभी नहीं बताऊंगा। तो जब हम पहुंच जाएंगे तभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कहां जाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, 6:14। अभी उठते हैं, फिलहाल अभी उठ तो गए हैं, 8-9 बजे तक निकलेंगे आराम से, तैयार वगैरह होकर। बहुत लंबा सफ़र है, तो 8-9 घंटे का तो रास्ता होने ही वाला है। तो फटाफट से जाते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, चाचू को जगाएंगे, चाचू अपना सामान वगैरह रखेंगे और गाड़ी लेके आएंगे। गाड़ी लेके फिर हम लोग चलेंगे, देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। ऐसे लंबा सफ़र में तो एक्साइटमेंट होती है, स्टार्टिंग में ही होती है, उसके बाद तो बस नींद आती है। तो देखते हैं कैसा होने वाला है सीन, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। कपड़े वगैरह अभी निकाल लिए हैं, जो जो पहन के जाने हैं। तो अभी फटाफट से मैं जाता हूँ, ब्रश वगैरह करता हूँ, नहाता हूँ एंड मैं मिलता हूँ आपसे नहाने के बाद। तो गाइस, फिलहाल अभी मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ एंड अब हमारा टाइम हो रहा है जाने का। फटाफट जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद फटाफट से चलते हैं। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमारे साथ है हमारे बाबा, नाश्ता वगैरह कर लिया है बाबा ने भी। तो अभी अम्मा भी यहाँ पे बैठी हैं, अम्मा भी नाश्ता कर रही हैं, तो सब लोग तैयार हो गए हैं। चाचू उठ गए हैं, चाचू गए हैं गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी लेके आएंगे अब तक। तो फिलहाल बस यही सी चल रहा है, अभी भैया वगैरह सब लोग घूम रहे हैं। तो बस अब देखते हैं, जब तक गाड़ी आएगी तब चलेंगे, फिलहाल नाश्ता वगैरह कर लेते हैं अभी। गाइस, तो फिलहाल आ गई है अपनी गाड़ी, रिवर्स करके लेके आ रहे हैं। अभी पापा के साथ इतना टाइम लग रहा है रिवर्स लेने, कल तो चाचू अकेले थे, जब हम बाल कटवाने गए थे तब कैसे ली होगी रिवर्स में। बस ले ही आए बगल में, अब बैग कर रहे थे, चाचू कर ही नहीं रहे। गाइस, फिलहाल अभी सब लोग आ चुके हैं, अब हम लोग बस निकलने वाले हैं। सारा सामान हमें गाड़ी में रखना है, गाड़ी भी हमने बहुत टाइम लगा के 1-2 घंटा अच्छे से पूछ दी। 6 बजे मैं जग गया था, देखो आपने अब देखा भी था, मैंने टाइम बताया था, अब बजना है 8:30। ये खड़ी है गाड़ी, इसको पूरा चकाचक कर दिया है। अब फिलहाल जल्दी से सामान रखते हैं सारा का सारा, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, हमने सारा सामान रख लिया है। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग निकलने वाले हैं, बैठ चुके हैं अभी, देखो अभी 9:30 फाइनली निकल चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम गाने कनेक्ट करके गाने बजाएंगे, गाने ना बजाएंगे, चालीसा करेंगे, जो भी हो गाने भजन। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, अभी हम अपना पहला पेट्रोल भरवा रहे हैं अपने सफर का। तो अब मैं काउंटिंग भी करूँगा कि कितने पेट्रोल हमने भरवाए हैं पूरे रास्ते में, मज़ा आएगा। तो हम सबसे पहले रुके हैं पेट्रोल पंप पे, अब जल्दी से पेट्रोल भरवाते हैं एंड फिर से दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे रास्ता को। तो गाइस, फिलहाल अभी आ चुका है यमुना नदी का पुल, यहाँ से देखो ये रहा पुल, ये देख कभी नहाने चलेंगे राया कट से यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं। ये सामने बिल्कुल खुली खुली रोड आ चुकी है, रोड नहीं वैसे तो, ये फ्लाईओवर है। कितना मजेदार रोड है। तो गाइस, फिलहाल मैं आपको बता ही देता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर, बहुत दिनों के बाद, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अम्मा भी हमारे साथ चलेंगे, भैया भी हमारे साथ चलेंगे, बाबा भी हमारे साथ हैं, चाचू भी हमारे साथ हैं, चाचू हमारे ड्राइवर हैं, चाचू हमारे साथ हर सेकेंड और हर पल रहेंगे जहाँ भी हम जाएंगे। और यहाँ पर हमारी अम्मा, यहाँ पर है भैया, बाहर के नज़ारे इंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर हम एक्सप्रेस वे पर आ चुके हैं ना चाचू, एक्सप्रेस वे के वे पे आ चुके हैं। हम लोग जाएंगे कानपुर अपनी नानी के घर, बहुत दिनों के बाद जाएंगे, बहुत साल हुआ है। तुझे पता है यहाँ पर नीले कलर का एक बोर्ड लगता है हर 1 किलोमीटर पे और उस पर नंबर लिखा रहता है,
तो अगर इस साइड बोर्ड देखोगे तो वो बताता है कि नोएडा मतलब ये एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर आ चुका है, और यहाँ से जाओगे तो दिखाएंगे कि कितने किलोमीटर बाकी है नोएडा तक। अच्छा, जैसे भी 111 का लगा था, मतलब परी चौक से यहाँ तक 111 किलोमीटर हो चुके हैं। कितने में चल रहा है? 70। देखो ये रेत बनने का। ओ भैया देखो रेत, रेत कितनी रेत नहीं है, गिट्टियां हैं। गिट्टियां गाइस, गिट्टियों के पहाड़, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के गिट्टियां बना रहे हैं। क्या लग रहा है, कितने भाई बड़े बड़े गिट्टियां हैं, मजा ही आ गया हो भाई। अब देखो गाइस, फिलहाल अभी 5 घंटा हो गया है बैठे बैठे। अभी हमने पहला ब्रेक लिया है, अभी हमने तो वॉशरूम ब्रेक है। अम्मा कैसा लग रहा है आपको बाहर? गर्मी है, लग रहा है या बाहर निकल कर? गर्मी है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा एसी से और ज़्यादा लगती है ना। हाँ, एसी से और ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत देर से थे ना गाड़ी में, बहुत ज़्यादा ठंडी लग, गर्मी लग रही है। चलते हैं फिलहाल वॉशरूम वगैरह होके आते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हमने ब्रेक ले लिया है अपना, तो ब्रेक में हमने थोड़ा सा ठंडा लिया। अब गाइस फिलहाल हम लोग चल रहे हैं और सीधा नॉन स्टॉप चलेंगे। बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि लंबा रास्ता है कानपुर तक का। तो गाइस फिलहाल अभी दूसरा भी टोल आ चुका है, अभी हम आगरा के अंदर हैं। आगरा का टोल आ चुका है, 2 टोल हो चुके हैं, गिनती करूँगा मैं, मज़ा आएगा। भाई दो गिनती करने में वो मजा है जो किसी चीज़ में नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। भाई जी देखो, आगरा के अंदर भी हमें यमुना नदी मिल गई, क्योंकि है आगरा में इसलिए मिल गई। आगरा से तो बात तो एक ही है, दिल्ली से आती है और मथुरा को जाती है। कानपुर भी आती है, मैं वहाँ पर है। नहीं, वो बिठू में तो गंगा जी कानपुर जाते। कानपुर में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनना है, मैंने देखा। कानपुर के बाहर से निकलती है, मतलब कानपुर के अंदर नहीं। हाँ, कानपुर में एक बहुत बड़ा ब्रिज भी है ना। तो गाइस फिलहाल बस अभी पहुंचने वाले हैं, अभी आ गया मंदिर। 1.4 किलोमीटर की दूरी पे है, इधर है गाइस। यहाँ पे अभी 12 देवी का मंदिर जो हमने मैप पे लगा रखा है, बाकी अब हमें देखना है कि किस साइड गली है। गली वगैरह हमें कुछ नहीं याद है, अभी देखते हैं कहाँ होगी गली, कहाँ से मिलेगी, कैसे कैसे। मैं बताऊँ, या तो इधर होगी या तो इधर होगी। वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है, सामने तो होगी। इतना पता है वो भी बहुत बड़ी बात है। अरे 12 देवी चौराहा ही नहीं आया गाइस, बस 555 मीटर दूर है। 555 मीटर। हाँ मीटर, किलोमीटर थोड़ी 555। हाँ किलोमीटर तो फिर हमें शुरू से शुरू करना पड़ता, तो भी नहीं आते। ढाबा, बाबा को, बाबा की यादें देखो, बाबा को इतना पता कि गली के बगल में ढाबा था। गाइस अभी बस 210 मीटर दूर है, अब 200 मीटर दूर है, अब 190 मीटर, अब 180, 170, 160, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम। 130, 120 बस पहुंचने वाले हैं। आ गया 12 देवी चौरा, इधर जाना है, इधर लेफ्ट लेफ्ट, मेरी गारंटी। पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। मैं 1 घंटे से बस यही चिल्ला रहा हूँ पहुंचने वाले, लेकिन पहुंच नहीं पाया अभी तक। कहाँ है यार? हाँ ये देखो, ये रहा मंदिर आगे का। मोदी जी भी है यहाँ पे, ये गली नहीं है ये। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग नानी के घर पे पहुंच चुके हैं, बाबा ने आते ही फिर से अपनी पगड़ी बांध ली है। तो अभी भैया गया है चाचू को लेने के लिए, मेरे बांधोगे?
गाइस अब बाबा आपको ट्यूटोरियल देते हैं कैसे बांधते हैं पगड़ी। पहले इसको फोल्ड करना है, फिर गौरव फोल्ड करना है, फिर सर पे लेके जाना है, फिर ऐसे लाना है, आ रहे हैं, ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, और ऐसे ला के बस अंदर खोस लेना है। चलो गाइस तो नानी ने सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे रसगुल्ले मंगाए हैं, तो फिलहाल रसगुल्ले खा लेते हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी चाचू गाड़ी पार्क कर रहे हैं, गाड़ी पार्क करके आ ही रहे होंगे। गाइस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और समोसे भी आ गए हैं, फटाफट से खाते हैं, गर्मी में तो वही यही चाहिए होता है। फटाफट समोसे खाते हैं और थोड़ी बहुत आराम करते, गाड़ी में बैठे बैठे पैर जम गए, मैं तो कमर बहुत ज़्यादा दुख रही थी, भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस फिलहाल अभी हमारी फेवरेट लस्सी आ गई है, ये लस्सी मामा ने बनाई है खुद। तो गाइस फिलहाल अभी मामा के घर से निकल लिए हैं, अब हम लोग जाएंगे सीधा बांदा केशव बुआ बेबी फूफा जी से मिलने के लिए। फूफा जी तो वैसे स्कूल में होंगे, तो बुआ केशव से मिलेंगे और फिर हम लोग चलेंगे चिल्ली हमारे गांव, अम्मा के गांव, अम्मा को भी ले चलेंगे, बेबी बेबी को नहीं ले, अम्मी के बिना काहे रुके। तो गाइस फिलहाल अभी मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड, हम निकल चुके हैं अब फाइनली। अब कल पता चलेगा आप लोगों को हम फाइनल डेस्टिनेशन जा कर रहे हैं, किस लिए आए थे, तो वो आपको कल पता चलेगा। मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप आपको व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज में, तब तक के लिए समाजों में झूठे रिवाजों में लिए ही जाए कोई चांस।